वेलकम मैम। मेरे को तो इंसान का रुकना नहीं है, एक मंजिल कामयाबी के एक स्पोर्ट्स कार्निवल का जो इनॉग्रेशन हुआ है ये एक बहुत अच्छी पहल है। ये 3-day इवेंट है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो की जाएंगी, जिसमें वॉलीबॉल, खो खो और बहुत सारी ऐसी एथलेटिक एक्टिविटीज़ हैं जिनका आज इनॉग्रेशन किया गया है। सबसे खुशी की बात ये है कि एक ये यहाँ के लोगों ने, जो जहांगीर के लोग हैं और सोपोर के लोग हैं, उनकी अपनी पहल है जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पेशली जो यहाँ की CEO हैं उनकी काफ़ी यहाँ पर मेहनत लगी है। और यहाँ के बच्चों ने जो है ऑल ओवर, मुझे लगता है बारामूला से पार्टिसिपेट किया है, 1200 से ज़्यादा यहाँ की रजिस्ट्रेशन हुई हैं। आई वॉज टोल्ड कि और भी ज़्यादा बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट करना चाहते थे बट ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ तो 1200 तक रिस्ट्रिक्ट किया गया है। आई होप कि ऐसे ही हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं सोपोर के, बारामूला के, इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, ताकि ना ही सिर्फ उनकी हेल्थ बल्कि मेंटल वेलबींग पे भी एक बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं वो पढ़ाई में भी अच्छे ही निकलते हैं और ज़िंदगी में स्पेशली उनकी जो स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स हैं, वो भी इम्प्रूव होती हैं। और इस ग्राउंड को इम्प्रूव करने के लिए, यहाँ की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए जितना भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो पाएगा आई श्योर वो हम ज़रूर करेंगे। ये मुझे लगता है कि यहाँ का जो ग्राउंड है, नेचुरल ग्राउंड, बहुत ही अच्छा है और इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस पर जैसे मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरा जोर लगाएगी कि यहाँ के बच्चों के लिए ऐसी फैसिलिटीज़ हों ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ अपनी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर कर सकें और हमारा नाम जो है आगे रोशन कर सकें। थैंक यू मैम।